हेलो एवरीवन, आज हमारा ये बुक ख़त्म करने का 30 डे चैलेंज का पार्ट टू है और ये आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द ओशन फ्लोर। ये जो हमारा चैप्टर है इसे हम दो पार्ट में ख़त्म करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और लगभग मैं कोशिश करूँगा कि हर पार्ट को लगभग दो तीन पार्ट में ख़त्म करूँ और हर पार्ट को लगभग 45 मिनट, 30 to 45 मिनट्स आसपास में रखूँ ताकि ईजी भी रहे आपको पढ़ने में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द ओशन फ्लोर ये जो चैप्टर है हमारा, ये सब स्टार्ट करने से पहले और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब ये बुक पढ़ें तो अपने साथ एक बुक रखे रहें और जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँ उस बुक में वो लाइन अंडरलाइन कर लें और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊँ उसे बुक के साइड में लिख लें या अपने कॉपी के नोट्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख लें। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये पेज में वहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ये पेज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर हम डिराइव करें तो टेक्टोन्स, टेक्टोन्स टू बिल्ड होता है इसका मतलब, और प्लेट, प्लेट का मतलब प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फियर। लिथोस्फियर जैसे मतलब हमारा कॉन्टिनेंट ये सब हो गया ना, हमारा जो ऊपर का जो पर ये ऐसे है कॉन्टिनेंट अलग अलग पार्ट जो लिथोस्फियर। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये होता है कि आउटर मोस्ट पोर्सन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो आउटर मोस्ट पोर्सन है वो कंपोज किससे है, पैच वर्क ऑफ थीन डिजिट प्लेट्स जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। जैसे हमारा आइसबर्ग हो गया वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है जिसके वजह से हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे के मोबाइल है, मोबाइल मतलब बहुत ही ईजी फ्लो कर पा रहे हैं और मूव अबाउट ऑन अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस में मूव कर पा रहे हैं कंट्रोल बाय फोर्सेस टी विद इन अर्थ। तो ये में लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पर, याद देखिएगा, द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ इज़ द हिमालय माउंटेन। हम अगर देखें टॉलेस्ट माउंटेन रेंज जो क्या है हमारा, हिमालय माउंटेन है। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना बेस टू टॉप क्या, कौन सा किसका ज़्यादा है, चैप्टर उन्हें बताया था किसका हाइट ज़्यादा है, हमारा है माउना किया। अगर बेस टू टॉप अगर पूरा देखें तो हमारा माउना किया है, लेकिन अगर सी लेवल के ऊपर ही देखें बस हम तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, मतलब हिमालय माउंटेन, ठीक है। और डेट एक्सटेंड थ्रू इंडिया, जो कहाँ हिमालय माउंटेन जो हमारा कहाँ कहाँ एक्सटेंड किया हुआ है, इंडिया, नेपाल और भूटान में। ये जो माउंटेन रेंज है इसमें किस टाइप के रॉक्स है, कंटेन रॉक्स दैट वर डिपॉजिटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन ए सैलो सी प्रोवाइडिंग टेस्टिमनी ऑफ द पावर एंड परसिस्टेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर पेज नंबर टू की तरफ जो कि आगे, चलिए। हाँ, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो हमारे पहले जान लेते हैं ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो थ्योरी था ये किसने दिया था, ये अल्फ्रेड वैगनर। ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और अल्फ्रेड वैगनर को मैचिंग करने में कभी कभी दे देता है। तो हमारा अल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट थे जो कि हमें पहले क्या दिए थे, वॉज फर्स्ट टू एडवांस द आइडिया ऑफ मोबाइल कॉन्टिनेंट्स इन 1912 में। हमें ये हमारा आइडिया दिए थे कि कॉन्टिनेंट जो है मूव करता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ही एनविसेंस दैट कॉन्टिनेंट्स वर स्लोली ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड कॉल्ड हिज आइडिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये उसने देखा कि क्या हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे के मतलब अपोजिट, हमारा ड्रिफ्ट एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपने थ्योरी को बताया कि ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब चेंजेस जो हो रहा है। तो फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फिर हमारा आता है फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स का फिट होना मतलब जैसे हमारा आगे देखेंगे, ठीक है, इसमें बहुत कुछ हमें जानने का है। जैसे देखिए पहले हमारा जो था ना, पहले हमारा ये जो प्लैनेट था, प्लैनेट में साउथ अमेरिका, अफ्रीका ये सब थे, तो ये दोनों का जो कोस्ट लाइन है ना ये सब उन्होंने फिट किया था, एक दूसरे को फिट करके देखा कि एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक टाइम पे ये एक साथ पे थे और फिर धीरे धीरे ये हमारा ड्रिफ्ट हो गए और फिर हमारे क्या बन गया इसके इसके बीच में, ये हमारा अटलांटिक ओशन बन गया था। तो उसी के बारे में ही है, तो हम इसे अच्छे से देखते हैं यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है, फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो हम ये जहाँ तक देखेंगे, द आइडिया डेट कॉन्टिनेंट्स पार्टिकुलरली साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, मैं बताया अभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका ये मैं बताया, जो कि फिट एक दूसरे के यहाँ कर रहे हैं जिग्सॉ पजल के हिसाब से,
मतलब एक दूसरे में हिसाब से ऐसे ऐसे दोनों फिट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को अगर कर दीजिएगा लगभग ऑलमोस्ट फिट होते हैं ये। विद द डेवलपमेंट ऑफ रिसेंटली मर्क्यूरेट वर्ल्ड मैप्स, तो और एक बार एज फार बैक एज 1620, अगर 1620 में अगर हम देखें तो पहले जो थे वो सर फ्रांसिस बेकन, ये नाम याद रखिएगा, रोट अबाउट हाउ द कॉन्टिनेंट्स अपीयर टू फिट टुगेदर, कैसे हमारा कॉन्टिनेंट दूसरे से फिट हो रहा है, जबकि लिटिल सिग्निफिकेंस वॉज गिवन टू इज आइडिया अंटिल 1912। 1912 तक उसके आइडिया को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमारा वैगनर साहब आए, वैन यूज द सेप्स ऑफ मैचिंग सोर लाइन, सोर लाइन ये जो वही है मतलब कॉन्टिनेंट का जो ये सब सोर लाइन है, इसका कॉन्टिनेंट का ये वाला साउथ अमेरिका का और ये वाला अफ्रीका का, इसका जो सोर लाइन हमारा हुआ, इससे हमारा जब उन्होंने मैच किया ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एज ए सपोर्टिंग पीस ऑफ एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो इससे हमें पता चला कि ये मे बी एक टाइम पर एक साथ थे। तो वैगनर ने क्या हमें सजेस्ट किया कि एक जियोलॉजिक पास्ट के टाइम पे कॉन्टिनेंट जो है कोलाइड हो गए थे टू फॉर्म ए लार्ज लैंड मास जिसे पेंजिया, मतलब ऑल लैंड, पेंजिया जब था मतलब सब जगह सब कॉन्टिनेंट्स हमारा एक साथ थे, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब एक साथ थे और एक ही लैंड हमारा था, ठीक है, सबसे पहले हमारा नाम था उसका पेंजिया था, ठीक है, और फिर सॉरी ऑल अर्थ, फिर एक बहुत ही ह्यूज ओशन, फिर उसके साइड में जितने सब थे सब ओशन से भरे हुए थे, जो कि हमारा सिर्फ ऑल ओशन जो नाम था हमारा पैंथालेसा, इसे हम क्या बोल रहे थे, पैंथालेसा बोल रहे थे, ठीक है, ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, पेंजिया और पैंथालेसा, पेंजिया मतलब ऑल अर्थ मतलब ऑल लैंड जितना था सब कुछ एक साथ थे, और पैंथालेसा मतलब ऑल सी, सिर्फ सी थे, सराउंडेड पेंजिया, पेंजिया को जो सराउंड किए थे, ठीक है। फिर हमारा है पैंथालेसा इंक्लूड सेवरल स्मॉलर सी इंक्लूडिंग द तैथिस सी, तैथिस सी, तैथिस को क्या बोलते हैं, ग्रीक सी गॉडेस, ये भी याद रखिएगा, तैथिस सी, तैथिस सी। तो वैगनर एविडेंस इंडिकेटेड डेट एज पेंजिया बिगिन टू स्प्लिट अपार्ट, जैसे ही हमारा पेंजिया एक दूसरे से अलग हो रहा था तो वहाँ पर ही बहुत सारे वेरियस कॉन्टिनेंटल मास भी एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रहे थे, अलग हो रहे थे टुवार्ड देयर प्रेजेंट जियोग्राफिक पोजिशन, जैसे आज होके बैठे हुए हैं, जैसे हमारा वही हमने देख रहे हैं ये वाला आज के प्रेजेंट कंडीशन में हमारा ऐसे मूव कर चुके हैं, लेकिन वो एक टाइम पर ऐसा है हमारे वेल्फर्ड वैगनर साहब ने बोला। तो फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर ही हमारा आता है कि सर एडवर्ड बुलार्ड और उसके दो एसोसिएट ने कंप्यूटर प्रोग्राम, सर एडवर्ड बुलार्ड और उसके दो एसोसिएट ने क्या किया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम से हमारे कॉन्टिनेंट सबको फिट किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सोर लाइंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एज वैगनर हैड डन, जैसे हमारा वैगनर साहब ने किया था वो वैसा नहीं करके पूरे एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से दोनों कॉन्टिनेंट्स को दूसरे से फिट किए। फिर उन्हें पता चला बुलार्ड अचीव द बेस्ट फिट बाय यूजिंग ए डेप्थ ऑफ 2000 मीटर्स बिलो सी लेवल, और ये जो डेप्थ है कॉरिस्पॉन्ड्स टू हाफ वे बिटवीन द सोर लाइन एंड द डीप ओशन बेसिन्स, एज सच इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, बाय यूजिंग दिस डेप्थ द कॉन्टिनेंट्स फिश टुगेदर मार्कली वेल, तो हमारा ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसे कौन क्या था कंप्यूटर प्रोग्राम में फिट, बुलार्ड और उसके दो एसोसिएट ने, और अल्फ्रेड वैगनर साहब ने हमारा सोर लाइन से किया हुआ था, ठीक है, सोर लाइन को मैच करके। और फिर मैचिंग सीक्वेंस ऑफ रॉक्स एंड माउंटेन चेन्स, ये हमारा जब आता है, अगर इफ़ द कॉन्टिनेंट्स वर बंच टुगेदर, जैसे वैगनर साहब ने मतलब हाइपोथिसाइज किया था, बोला था कि सोचे थे कि अगर कॉन्टिनेंट हमारा पहले एक साथ थे देन एविडेंस शुड अपियर इन रॉक सिक्वेस्टेड वेर ओरिजिनली कंटिन्यूस बट आर नाउ सेपरेटेड बाई लास्ट एसेंसेस, हाँ उनका भी बोलना सही था कि सपोज ये अगर एक साथ हमारा एक साथ पहले जब रॉक थे एक साथ जब थे तो इसका भी रॉक और इसका भी रॉक दोनों का जो है ये हमारा एक साथ भी हो सकते हैं, इनका भी मतलब कलर जो है एक साथ होना चाहिए, ये भी पॉसिबल है कि नहीं है, हाँ ये भी पॉसिबल है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक दूसरे जो है ये भी सेम है, ठीक है, हो सकते हैं ऐसे इनका जो यहाँ का जो रॉक है यहाँ का जो रॉक है ये भी एक दूसरे से मैच करेंगे। तो वो जाके वहाँ पर ही सब चेक किए और फिर देखा तो उन्हें तो पता चला कि हाँ ऐसा भी है। फिर और भी बहुत सारा तरीका था, फिर था वहाँ पर ही तरीका उनका आया कि हम जाके आगे देखिएगा आप, तो वो फॉसिल्स भी थे, कुछ फॉसिल्स भी थे तो उनको भी उन्हें मैच किया था, लेकिन उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर टू टेस्ट द आइडिया ऑफ ड्रिफ्टिंग,
continents. Geologists began comparing the rocks along the edges of continents with rocks found in adjacent positions on matching continents. ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. They wanted to see, वो देखना चाहते थे कि if the rocks had similar type, edges and structural styles, the type and degree of deformation, तो वहाँ का मैच कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं. अगर मैच कर रहा है तो हाँ, एक तो एक टाइम पे एक साथ हो सकते हैं. तो उन्होंने बस ये सब देखा. और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मोर ओवर दिस स्टडीज शो डेट, ये सब स्टडी हमें ये बताता है कि बहुत सारे जो रॉक सीक्वेंस हैं फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट वर आइडेंटिकल टू रॉक सीक्वेंस ऑन एडजेसेंट कॉन्टिनेंट, एडजेसेंट कॉन्टिनेंट के साथ वो मैच कर रहे हैं. ऑल्दो जो कि दोनों एक दूसरे से सेपारेट है एक ओशन से, और ओशन कौन सा है, एटलांटिक ओशन इन एडिसन. तो उसके साथ में उन्होंने क्या बोला कि माउंटेन रेंजेस डिटर्मिनेटेड एब्रप्टली एट द एज ऑफ कॉन्टिनेंट कंटिन्यूड ऑन अनदर कॉन्टिनेंट अक्रॉस इन ओशन बेसिन विद आइडेंटिकल रॉक सीक्वेंस एजेस एंड स्ट्रक्चर स्टाइल्स. जैसे एग्जाम्पल फिगर 2.4 में हम देख सकते हैं. फिगर 2.4 कहाँ है, हाँ यहाँ पर, ठीक है. ये डायग्राम देखिएगा आप. तो उन्होंने क्या बोला ये डायग्राम में कि हाउ सिमिलर रॉक्स फ्रॉम द एप्लेचियन माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका मैच अप विद आइडेंटिकल रॉक्स फ्रॉम द ब्रिटिश आइल्स एंड द कैलेडियन माउंटेन्स इन यूरोप. तो उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से हमारा यहाँ का जो एपलेंशियन माउंटेन्स और यहाँ कैलेडियन माउंटेन्स, इनका जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा लिंक बैठ रहा था, मतलब सब कुछ एक दूसरे से लगभग मैच कर रहे थे. तो ये भी पता चला कि हाँ, एक साथ हो सकते हैं पहले एक टाइम पे. फिर वैगनर नोटेड अ सिमिलैरिटी इन रॉक सीक्वेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द एटलांटिक एंड यूज द इंफॉर्मेशन एज ए सपोर्टिंग पीस ऑफ एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो फिर हमारे वैगनर साहब ने एटलांटिक ओशन, जो ये हमारा एटलांटिक ओशन है, वो ये दोनों का बीच का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये सब का उन्होंने देखा. और वो देखे कि ये एक साथ, हाँ एक टाइम पे सबका रॉक सीक्वेंस, यहाँ का देखे, यहाँ का देखे, यहाँ का देखे, यहाँ देखे. तो उन्हें पता चला कि हाँ, ये एक साथ हमारा एक टाइम पे थे, जो कि भी सेपारेट हो गए हैं एक ओशन से, और जो ओशन है कौन सा, एटलांटिक ओशन है, ठीक है. तो ये हमारा ये हो गया. और फिर ठीक है, ये समझ गए. फिर ग्लेशियल एजेस एंड अदर क्लाइमेट एविडेंस. ग्लेशियल एजेस, यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाता है, हाँ, कि वैगनर ऑल्सो नोटिस्ड, वैगनर साहब ने हमारे फिर से नोटिस किया कि अकरेंस ऑफ पास्ट ग्लेशियल एक्टिविटी, पहले जो ग्लेशियल एक्टिविटी होते थे इन एरिया डेट आर नॉट ट्रॉपिकल, जो पहले ऐसे हमारा ये सब जो एरिया थे ना, ये माना जाता था कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एक टाइम पे ये हमारा ग्लेशियल एज में थे. कहाँ पर इसका डायग्राम है, हाँ ये देखिए आप, ये से माना जाता था कि हाँ, ये एक टाइम पे एक साथ थे, और ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जो पार्ट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारा ग्लेशियल, मतलब बर्फीले जगह थे, पूरा बर्फीला जगह था. फिर जैसे जैसे वो मूव किया, वो वहाँ इक्वेटर के पास आया, वहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ा, और अभी वो ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में कन्वर्ट हो गए, जहाँ की बर्फीला जगह और है नहीं यहाँ पर, ठीक है. तो वो जैसे जैसे मूव किए, तो ग्लेशियल एजेस में भी वो डिफर आया. तो अभी कौन कौन सा है हमारा, सिर्फ एंटार्क्टिका और यहाँ पर ग्रीनलैंड बोल के है, तो बस हमारा अभी वही है, ठीक है. तो यहाँ पर ये अभी लिखा हुआ है कि करेंटली द ओनली प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर थिक कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स अकर आर इन द पोलर रीजन्स ऑफ ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका. अभी फ़िलहाल हमारे वर्ल्ड में सिर्फ ऐसे दो जगह हैं जहाँ पर ये हमें बहुत ही मोटा कॉन्टिनेंटल आइस शीट मिलता है, जो कि हमारा पोलर रीजन में प्रेजेंट है, एक यहाँ ग्रीनलैंड और एक यहाँ एंटार्क्टिका, ठीक है. तो ये हमारा हो गया. फिर हाउएवर, लेकिन एविडेंस ऑफ एशियन ग्लेशिएशन, वही जो मैं आपको बोला कि एशियन ग्लेशिएशन इज फाउंड इन द लोअर लेटिट्यूड रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. ये जो डिपॉजिट हैं, जो कि विच हैव बीन डेटेड एट 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 300 मिलियन साल पहले, इंडिकेट वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी बताते हैं कि देयर वॉज ए वर्ल्ड वाइड आइस एज एट दैट टाइम, ठीक है. वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे दुनिया भर में पहले आइस एज था, और इवन ट्रॉपिकल एरिया वेर कवर्ड बाय थिक आइस, ठीक है. और हमारे जो ट्रॉपिकल एरिया अभी जो प्रेजेंट हैं, वो एक टाइम पे वो भी थिक आइस से घिरे हुए थे, और कुछ जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो अभी ट्रॉपिकल एरिया में हैं, वेर वंस लोकेटेड मच क्लोजर टू वन ऑफ द पोल्स, ठीक है. कोई एक तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कहीं पर वो एक साथ ही थे,
ठीक है सब, और इट इज़ अनलाइकली। और फिर ये देखा गया कि एंटायर वर्ल्ड वॉज कवर्ड बाई आइस 300 मिनट्स अगो। ऐसा ये भी पॉसिबल एक हिसाब से नहीं है अगर सोचा जाए, क्योंकि हमारा जो कोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं उसी टाइप के एज के, उससे वही एज के मतलब 300 मिलियन ईयर्स को पहले अगर देखें तो वहाँ का जो हमें कोल्ड डिपॉजिट्स मिलता है वो अभी हमारा प्रेजेंट कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है, जो कि ओरिजिनेटेड इन वास्ट सेमी ट्रॉपिकल स्वाम्प्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक रीजनेबल कंक्लूज़न ये निकलता है कि हमारे जो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारा पोल्स के पास थे देन दे आर टूडे, ठीक है, जो इससे आज नहीं है लेकिन वो पहले थे। अनदर टाइप ऑफ ग्लेशियल एविडेंस इंडिकेट दैट, और फिर दूसरे टाइप के हमारा ग्लेशियल एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कुछ सर्टन कंटिनेंट्स, कुछ जो कंटिनेंट्स हैं वो पोलर रीजन से मूव किए हैं, 300 मिलियन साल पहले से मूव करना स्टार्ट किए हैं और वो अभी जिस पोजिशन पर हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। फिर हमारा जो ग्लेशियर फ्लो, जब हमारा ग्लेशियर फ्लो होता है दे मूव एंड एब्रेड द अंडरलाइंग रॉक्स लिविंग ग्रोव्स डेट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। द एरो इन गिवन फिगर 2.5 ए, फिगर 2.5 ए हम देखते हैं क्या एरो दिया हुआ है इसमें। हाँ यहाँ पर दिया है ना, जैसे देखो यहाँ पर ही एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो हमारा है ये सब कैसे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्टार्ट किए हैं मूव करना, ये इधर मूव करना स्टार्ट किया, इधर इधर मूव करना, इंडिया ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो वैसा ही आज हमारा ऐसे मूव हो गए, देख रहे हो, इंडिया ऐसे मूव कर रहा था ना, ऐसे मूव करके यहाँ गया, इधर ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ही बता रहा है, बाकी बाकी हम देखते हैं अभी। तो मोस्ट मेनी एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉसिल, ठीक है, प्लांट और एनिमल फॉसिल भी यहाँ पर ही अलग अलग पाया गया, दोनों कॉन्टिनेंट्स में देखा गया, तो मतलब लगभग सेम ही पाया गया, ठीक है। इंडिकेट वेरी डिफरेंट क्लाइमेट्स दैन टूडे, जैसा आज क्लाइमेट है उससे बहुत ही अलग क्लाइमेट था वहाँ पर पता चला। जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं, फॉसिल पाम ट्रीज़, ये भी एग्जांपल में आ सकता है, मतलब एग्जांपल टू सर्च एग्जांपल्स आर फॉसिल पाम ट्रीज़ इन आर्टिक स्पिट्सगन एंड कोल डिपॉजिट्स इन एंटार्क्टिका। जैसे मैं दो एग्जांपल लेते हैं, फॉसिल पाम ट्री जो है आर्टिक स्पिट्सगन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है पता है, लगभग आर्टिक अगर हम देखें तो इधर आसपास ग्रीनलैंड के आसपास इधर कहीं पर प्रेजेंट है, मतलब ग्रीनलैंड एरिया है ना इधर तरफ, तो इसी आसपास ही इधर प्रेजेंट है स्पिट्सबर्गन, ठीक है। तो हमारा और कोल डिपॉजिट इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका तो सबसे लो लो में प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। तो अर्थ पास्ट एनवायरनमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम दीज रॉक्स, तो अर्थ के पास्ट एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है ये दोनों रॉक्स से, फ्रॉम दीज रॉक्स, क्योंकि प्लानेट और एनिमल्स को एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन का ज़रूरत होता है उनको रहने के लिए। और फिर हाँ ये जो कोरल्स वर्ड आ गया ना, कोरल्स वर्ड ये कौन से टेम्परेचर में रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, ठीक है। तो ये कोरल वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, ये कोरल्स जैसे उनको जनरली नीड सी वाटर, उनको सी वाटर दरकार होता है जो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो और उनको सर्वाइव करने के लिए, उनसे कम होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें एक कंडीशन में पता चला कि कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का सी वाटर टेम्परेचर चाहिए। तो जब हमारा फॉसिल कोरल्स ये एरिया में पाए जाते हैं डेट आर कोल्ड टुडे, टू एक्सप्लेनेशन सीम्स प्लॉजिबल, दो एक्सप्लेनेशन हमें लगभग पता चलता है हो सकता है ऐसा। तो कि पहला, वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, कि वर्ल्ड वाइड हमारा जो पूरा पृथ्वी का जो है वो क्लाइमेट पूरा एक ही बार में चेंज हो गया, बहुत ही सडनली चेंज हुआ, ठीक है। और जो रॉक्स हैव मूव्ड, ओके, या फिर रॉक जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमारा मूव किए हैं, तो मेनली मुझे तो ये लगता है सेकंड पर्सनली, ठीक है। तो आप भी अपना देख सकते हैं। फिर और हमारा ओशंस और क्लाइमेट चेंज जो हम चैप्टर 60 में जो पढ़ेंगे वो क्या बताता है, नेचुरल प्रोसेसेस हैव कॉज्ड अर्थ क्लाइमेट टू चेंज इन द जियोलॉजिकल पास्ट, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस हमारा जिसकी वजह से हमारा अर्थ क्लाइमेट चेंज हुआ है जियोलॉजिकल पास्ट में। ऑल दो ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन अर्थ क्लाइमेट माइट हेल्प एक्सप्लेन क्लाइमेट एविडेंस सच एज फॉसिल्स दैट सीम आउट फ्रॉम प्लेस टुडे, ये हाँ ये हो गया, ये सब तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, कैसे हमारा, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। फिलहाल हम ये डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ आप अगर बुक खरीदेंगे
तो आपको ये मेल लिख लीजिए, स्कैन कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे, स्कैनर डाउनलोड कर स्कैनर ऐप डाउनलोड करके, और कैसे हमारा पेंजिया ब्रेकअप हुआ ये बहुत ही अच्छे से वेब एनिमेशन फॉर्म में इसे दिखाया गया है, तो आप यहाँ भी उसे देख सकते हैं। फिर हाँ, ये जैसे डायग्राम अगर देखते हैं तो हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो हमें पहले ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, मैसोसोरस, ठीक है, तो फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैसोसोरस, मैसोसोरस का जो यहाँ पर ये फॉसिल मिलता है और यहाँ पर जो फॉसिल मिलता है, ठीक है, तो ये एस टाइप के मिलते हैं कि पहले बात हमारा मैसोसोरस जो है इतना दूर ट्रैवल करके पहली बात जा नहीं सकता, वो क्योंकि वो गुड स्विमर था नहीं। तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों एक साथ पहले थे और फिर यहाँ का फॉसिल यहाँ आया, फिर यहाँ का फॉसिल यहाँ आया, फिर जब हमारा अटलांटिक ओशन से सेपारेट हुआ तो दोनों अलग हो गए और फिर अभी यहाँ पर अलग मिलता है, यहाँ पर अलग फॉसिल मिलता है, मतलब सेम ही फॉसिल मिलते हैं, तो ये चांसेस है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कहाँ पर मैसोसोरस है, वो एक मिनट बता रहा हूँ, इधर साइड, हाँ मैसोसोरस सॉरी मैसोसोरस बिगन एक्सटिंट, हाँ मैसोसोरस डोंट बी हैव टू बी गुड स्विमर टू लिव रिमेन्स ऑन टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, लेटर आफ्टर मैसोसोरस बिकेम एक्सटिंट द कॉन्टिनेंट्स मूव टू देयर प्रेजेंट पोजिशन एंड अ लार्ज ओशन नाउ सेपरेट्स द वंस कनेक्टेड लैंड मासेस, ठीक है, ये हमारा हो गया मैसोसोरस। फिर उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, और ऑब्जेक्शन टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मॉडल, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फालतू का है, मतलब ये थ्योरी बेस्ड बस, लेकिन हमें उस तो पढ़ना नहीं है। तो व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स प्लेट टेक्टोनिक्स, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, तो हाँ, और यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट कॉजेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का किस लिए होता है, तो हम देख सकते हैं कि कॉन्वेक्टिव मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन अर्थ लिक्विड आयरन निकल आउटर कोर इज़ द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमारा अर्थ का जो अर्थ लिक्विड है जो कि आयरन निकल आउटर कोर में आयरन निकल जो प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमारा जब मूव करता है तो जैसे हमारा अर्थ मूव करता है तो उसी में वो मूव करता है, तो वही हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है, वही बोलने का मतलब है, कॉन्वेक्टिव मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन अर्थ लिक्विड आयरन निकल आउटर कोर इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा हो गया। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है कि रिसेंट रिसर्च के हिसाब से पता चला है बेस्ड ऑन एशियन रॉक्स इन साउथ अफ्रीका, एशियन रॉक इन साउथ अफ्रीका में जैसे एशियन रॉक मिला है उससे ये पता चला कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है मस्ट हैव बीन प्रेजेंट बाय 3.45 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये डाटा याद रखिएगा आप कि 3.45 बिलियन ईयर्स को पहले हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, फॉर्म हुआ। फिर हमारा आ जाता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और पैलियोमैग्नेटिज्म। हाँ, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पैलियोमैग्नेटिज्म टर्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से क्या फॉर्म होते हैं, तो इससे हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा फिगर 2.7 में दिखाया गया है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है नेविगेटर मतलब जो समुद्र में जाते हैं उनको दिशा दिखाने के लिए, उनको वे दिखाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, ठीक है। और हमारा अर्थ में जो लाइफ फॉर्म है उनको सोलर स्टॉर्म से बचाने के लिए, तो जो इनविजिबल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है जो कि हमारे ओरिजिनेट हो रहा है विद इन अर्थ, अर्थ के अंदर ही, और जो ट्रैवल कर रहा है पूरे स्पेस में, वो क्या रिसेम्बल कर रहा है, वो क्या दिखाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ही हमारा लार्ज बार मैग्नेट जैसा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज बार मैग्नेट, वैसे ही सिमिलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जैसा, तो एंड जो है बार मैग्नेट का हैव अपोजिट पोलैरिटीज़ जो प्लस माइनस है या फिर नॉर्थ और साउथ बोलो, जिससे हमारा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हमारा अलाइन हो जाता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और इन एडिशन नोटिस इन फिगर 2.7 ये जो फिगर है हमारा बी और सी, ये इसमें बोल रहा है हमारा नोटिस करने, क्या बोल रहा है बता रहा हूँ, छोटा कर देता हूँ इसे, छोटा, हाँ, तो हमारा ये बताता है कि एक मिनट, ओके,
अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ये देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ये है हमारा और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया। क्या एक दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं, उन दोनों के बीच में एक गैप है। तो हमारे जो रॉक्स अफेक्टेड बाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हमारे कौन कौन से रॉक्स इफेक्ट्स होते हैं? जैसे हम जानते हैं कि इग्नियस रॉक जो है हमारा वो सॉलिडिफाई होता है किससे? मोल्टन मैग्मा से, सॉलिडिफाई फ्रॉम मोल्टन मैग्मा आइदर अंडरग्राउंड और आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन एट द सरफेस, ठीक है। या अंडरग्राउंड में होगा या फिर सरफेस के ऊपर आने के बाद जो हमारा लावा है वो सरफेस के ऊपर आने के बाद वो हमारा फिर इग्नियस रॉक वहाँ पर फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ऑल इग्नियस रॉक, जितने भी इग्नियस रॉक हैं उसमें हमारा मैग्नेटाइट अच्छा खासा प्रेजेंट रहता है, बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक नेचुरली मैग्नेटिक आयरन मिनरल है। और जो हमारा मैग्नेटाइट जो पार्टिकल्स हैं जो कि मैग्मा में प्रेजेंट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ही, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो एक दूसरे को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से उसको ओरिएंट कर लेते हैं, क्योंकि मैग्मा और लावा जो है वो फ्लूइड है, ठीक है। मैग्मा और लावा जो है वो जब आता है तो फ्लूइड रहता है और उसमें हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा मैग्नेटाइट प्रेजेंट रहता है। तो वो जैसे ही अर्थ कि मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अपने आप को सेट कर लेता है, और जब हमारा वो एक बार मोल्टन मटेरियल जो है ठंडा हो जाता है एक सर्टन टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर ही क्या होता है? वहाँ पर ही इंटरनल मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी फ्रोज हो जाते हैं, एकदम फ्रोज हो जाते हैं, मतलब वो भी जम जाते हैं, उसके बाद मूव नहीं करते हैं। इसी से हमें पता चलता है देयर बाय रिकॉर्डिंग द एंगल, इसीलिए हम जो एंगल जो बनते जा रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का उस प्लेस पे उस टाइम पे, उससे हमें पता चल रहा है कि तब वो कैसा था अब वो कैसा है, ठीक है। तो इन एसेंस, तो इन शॉर्ट बताया जाए तो ग्रेन्स ऑफ मैग्नेटाइट जो हैं वो एक टाइनी कंपास निडल जैसा बिहेव करते हैं, जो कि हमारा रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं द स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जबकि अगर हमारा रॉक एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट नहीं होगा, जहाँ पर हमारा मैग्नेटाइट ग्रेन्स आर अगेन मोबाइल, अगर हमारा रॉक जो है वो ठंडा पड़ गया है, अगर जब तक वो फिर से गर्म हो के ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं होता, तब तक हमारा मैग्नेटाइट ग्रेन जो है वो एक इन्फॉर्मेशन कंटेन किए रहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे कैसा था, रिगार्डलेस ऑफ वेयर द रॉक सब्सिक्वेंटली मूव्स, जहाँ कहीं भी वो रॉक मूव कर जाए लेकिन वो उसमें सेव रहेगा। और फिर मैग्नेटाइट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन सेडिमेंट्स, मैग्नेटाइट जो है हमारा उस सेडिमेंट्स में डिपॉजिट रहता है। जब तक हमारा सेडिमेंट जो है सराउंडेड बाय वाटर, जब तक वाटर सराउंडेड रहेगा हमारा सेडिमेंट, तो हमारा मैग्नेटाइट पार्टिकल जो है वो अपने आप को अलाइन कर सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। अगर एक बार हमारा सेडिमेंट ब्योरिड हो गया, मतलब जम गया और सॉलिडिफाई हो गया सेडिमेंटरी रॉक में, तो उसके बाद से जो पार्टिकल है उसके बाद से अपने आप को फिर से रीअलाइन नहीं कर सकता इफ़ दे आर सब्सिक्वेंटली मूव्ड। तो इसलिए मैग्नेटाइट ग्रेन्स जो है सेडिमेंटरी रॉक का, वो उसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत सारा कंटेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि कहाँ से हमारा रॉक जो है ओरिजिनेट हुआ है। जबकि हमारा रॉक जो है अलग अलग रॉक टाइप्स हैव बीन यूज सक्सेसफुली टू रिवील इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ एशियंट मैग्नेटिक फील्ड, द मोस्ट रिलायबल वंस आर इग्नियस रॉक, सबसे जो मोस्ट रिलायबल है इग्नियस रॉक है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटाइट प्रेजेंट रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल बेसाल्ट में, जो कि एक विच ए रॉक टाइप डेट कंप्राइजेस ओशनिक क्रस्ट। और हाँ, ये डायग्राम में हम जहाँ तक देख पा रहे हैं तो ये जो हमारा ये क्या है, क्या पता लग रहा है आपको? लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ये सब, ये सब क्या है? लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। इसी के हिसाब से देखिए, ये जो हमारा लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है इसी के हिसाब से हमारा जो ये है मैग्नेट है ना, बार बार मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये हमारा कैसे ओरिएंट है, पहले ऐसे था, यहाँ पर ये रेड कलर दिख रहा है, रेड 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 कैसे मूव हुआ है, पहले ये हमारा किस टाइप था, किस तरफ हमारा ये पहले इस तरफ नीचे था, लेकिन फिर धीरे 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 देखेंगे तो ऊपर मूव कर करके इधर ऐसे ऐसे मूव कर करके ये भी जो हमारा इधर जो पाया जाएगा ये अपोजिट हो जाता है। तो यही हमारा होता है अर्थ का मूव करने के हिसाब से। तो हमारे ये लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये जो बार मैग्नेट है इससे पैरेलल रहते हैं, ठीक है, जो मैग्नेटाइट है इससे पैरेलल रहते हैं, हमेशा देखो ये जैसे मैग्नेटिक फोर्स है इससे पैरेलल है ये वाला, ये वाला देखो तो ये इससे पैरेलल है, ठीक है, ये देखो तो ये इससे पैरेलल है ना, तो हर हिसाब से ऐसा ही रहता है।
और फिर मैप ये हम देखो, हाँ दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्यूरी पॉइंट, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट। ये जो टेम्परेचर है हमारा इसे हम क्यूरी पॉइंट बोलते हैं, और वो किस नाम पे दिया गया है, नेम्ड आफ्टर फ्रेंच फिजिसिस्ट पियरी क्यूरी। फॉर टिपिकल रॉकी अर्थ मटेरियल्स इट इज़ अबाउट 550 डिग्री सेल्सियस और 1022 डिग्री फारेनहाइट। ये लाइन भी हमारी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ, मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल सिंस 1831, 1831 से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें से इसका मतलब है ना, ये डायग्राम का ये इंडिकेशन कर रहा है कि 1831 से लेके, ये हमारा पहले एक कनाडा है ना, कनाडा इधर हमारा हो गया, इट्स पीट्सबर्गन आई थिंक, ये नहीं, एक मिनट, उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, वो आगे आएगा, उसको आगे पढ़ेंगे। पहले हमारा पहले मैग्नेटिज्म इसको कर लेते हैं, पैलियो मैग्नेटिज्म, ये हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टडी पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, हमारा अर्थ का जो एशियन मैग्नेटिक फील्ड है, पैलियो मतलब वही होता है पास्ट होता है, पास्ट का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना, जो हमारा पैसे पास्ट में कैसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसके बारे में जानना, तो वही हमारा हो गया, हमारा अर्थ का ये पैलियो मैग्नेटिज्म वही हो गया, इंडिकेट कर रहा है। द स्टडी ऑफ अर्थ एशियन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैलियो मैग्नेटिज्म। जो हमारे साइंटिस्ट पैलियोलॉजी पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स इन रॉक्स टू डिटरमाइन नॉट ओनली देयर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट ऑल्सो देयर एंगल रिलेटिव टू अर्थ सर्फेस, ठीक है, अर्थ सर्फेस के हिसाब से उसका एंगल कैसा है। देखो जैसे पहले यहाँ पर ये कैसा था, पहले सीधा था, फिर ऐसे टेढ़ा हो गया, तो इतना एंगल में डिफरेंस आया कि नहीं आया, तो यही एंगल भी मेज करते हैं। और नॉर्थ और ये पहले इधर था नॉर्थ पोल, इधर फिर अभी इधर आ गया, तो कैसे कैसे धीरे धीरे मूव कर रहा है वो भी वो करते हैं, ठीक है। कौन हमारा जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडी करते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। तो द डिग्री, जो डिग्री द टू विच मैग्नेटाइट पार्टिकल पॉइंट्स इनटू अर्थ इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप जो है हमारा वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, लेटीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, जिसमें मेरा शो करता है कि एक डीप नीडल डज नॉट डीप एट ऑल अर्थ डीप एट डीप ऑल एट अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, इंस्टेड द नीडल लाई हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सर्फेस एट अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, हाउएवर अ डीप नीडल पॉइंट स्ट्रेट इन टू द ग्राउंड। ये हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी उतना ये नहीं है, फिर आप पढ़ना चाहने से पढ़ सकते हैं, बाकी एग्जाम प्रिंटेड उतना नहीं है। हाँ लेकिन ये लाइन है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्सल्स ये कैसे होते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है अर्थ का आज जो है, ठीक है, वो क्या करता है, फॉलो लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड पॉइंट टुवार्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। इट टर्न्स आउट हाउएवर दैट द पोलैरिटी, जो पोलैरिटी है नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन जो मैग्नेटिक फील्ड का है, वो क्या किया, एक दूसरे से रिवर्स कर लिया पीरियोडिकली थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम। फिर इन एसेंस अगर देखें तो नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेटिक पोल है वो अपने आप को रिवर्स और स्विच करते रहते हैं, सो डैट मैग्नेटिक नॉर्थ बिकम्स मैग्नेटिक साउथ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो हमारा आज मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक ज़माने मैग्नेटिक साउथ था, तो एक दूसरे से स्विच करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। तो ये जो है, वाई डज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्विच पोलैरिटी, ये क्यों करते हैं मैग्नेटिक पोलैरिटी अपने आप को स्विच, ठीक है। तो ये जियोफिजिस्ट जो हमारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं वो अभी तक ये पूरे अच्छे से तरीके समझ नहीं पाए हैं कि मैग्नेटिक पोलैरिटी का रिवर्सल होता किस लिए है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है दैट कॉजेस द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड आयरन आउटर कोर टू जनरेट अ सेल्फ सस्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो आउटर कोर है, आउटर कोर कैसा था, वो लिक्विड फॉर्म पे था ना, तो वो कन्वेक्टिव मोशन से पहले ही पड़े, तो उसी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होता है, और उसी से ही रोटेशन वहाँ पर ही होता है, अर्थ का रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड आयरन आउटर कोर टू जनरेट सेल्फ सस्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। एवरी सो ऑफन द फ्लो ऑफ लिक्विड आयरन इज डिस्टर्ब लोकली एंड ट्विस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन वीकनिंग इट। वॉट ट्रिगर्स द डिस्टर्बेंसेस इज अननोन, ये भी यहाँ तक पता नहीं। हाँ फिर यहाँ से, हाँ और हाँ यहाँ से ये लाइन जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं हमें। देखो कि पैलियोमैग्नेटिक का जो स्टडी है वो क्या रिवील करता है, कि
184 मेजर रिवर्सल्स अब तक हो चुके हैं पास्ट 83 मिलियन ईयर्स में। 184 मेजर रिवर्सल्स मतलब नॉर्मल पोलारिटी नॉर्मल रिवर्स नॉर्मल, ऐसे बहुत सारे जो ये जो है मेजर रिवर्सल्स ऑकर्ड इन द पास्ट 83 मिलियन ईयर्स। तो ये जो है हमारा पैटर्न जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप को स्विच करने का, वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। ऐसा कुछ भी एक टाइम नहीं है कि वो अपने आप को एक टाइम पर ये कर रहे हैं, और वो लगभग रेंज में होता है 25,000 साल में एक बार अपने आप को रिपीट कर सकता है। मतलब 25,000 से आज नॉर्मल पोलारिटी है, तो 25,000 साल बाद ये हमारा रिवर्स पोलैरिटी आएगा, या फिर 30 मिलियन ईयर साल भी बाद भी आ सकता है। इवन दो द पैटर्न हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज रैंडम, ठीक है रैंडम है, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज अगर निकालें तो हमारा रिवर्सल ऑकर्स अबाउट एवरी 450,000 ईयर्स। ठीक है, हमारा रिवर्सल जो है अपने आप को रिपीट करते हैं 450,000 साल के ड्यूरेशन में। तो जो फ्लिपिंग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो अपने आप को जो फ्लिप कर रहा है, वो लगभग उससे टेक्स एन एवरेज ऑफ अबाउट 5,000 ईयर्स, उसे लगभग 5,000 साल लग जाते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप को स्विच करने में। ठीक है, 5,000 साल, और ये जल्दी होता है, एवरेज बता रहा हूँ। अगर जल्दी जल्दी होना हो तो 1,000 साल भी लग जाएगा, या फिर हमें 20,000 साल भी लग सकता है। लेकिन जो ये अर्थ मैग्नेटिक पोलैरिटी है आर आइडेंटिफाइड इन रॉक सीक्वेंसेस बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन पोलैरिटी फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। अगर इंटरेस्टिंग देखें तो यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे सेवरल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस ऑफ फॉल्स स्टार्ट्स वेयर द वीकनिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लीड टू अ फुल फ्लिप। ठीक है, ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जो अपने आप विश जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से कॉइंसाइड नहीं कर रहा है, हम देखे थे, तो पहले वो कहाँ लोकेटेड था, वॉज फर्स्ट लोकेटेड नियर बोथिया पेनिनसुला इन द कैनेडियन आर्टिक इन 1831। ठीक है, अभी जो मैं इससे पहले आपको बता रहा था वो कहाँ पर, वही जो नाम बता रहा था ना, पहले बोथिया पेनिनसुला इन कैनेडियन आर्टिक। ओके, डायग्राम जो है, हाँ ये कनाडा है तो ये आर्टिक रीजन है। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा बोथियन पेनिनसुला यहाँ पर पहले प्रेजेंट था, तो यहाँ पर ही, यहाँ से वो बताता है कि हर लगभग 50 साल में ये अपने आप को इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ अपने आप को रिवर्स कर, मतलब मोड़ रहा है। तो वही लगभग ये बताता है, देख लेते हैं क्या पर है यहाँ पर, कि वॉज फर्स्ट लोकेटेड नियर बोथिया पेनिनसुला इन द कैनेडियन आर्टिक इन 1831, और उस टाइम से लेकर अब तक इट इज़ वो अपने आप को नॉर्थ वेस्ट माइग्रेट कर रहा है बाय अबाउट 50 किलोमीटर हर साल, 50 किलोमीटर लगभग उसको अपने आप को मूव कर रहा है। अगर ये ऐसा ही रेट के हिसाब से होते रहा तो अर्थ का हमारा जो मैग्नेटिक पोल है वो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को वो पास कर जाएगा, और फिर 2050 में साइबेरिया के पास होगा। तो अगर हम इन एडिशन देखें तो जियोलॉजिक एविडेंस इंडिकेट्स, जियोलॉजिक एविडेंस में क्या बताता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकनिंग हो रहा है पास्ट 2000 ईयर से। मतलब वो उतना स्पीड से पहले मूव करता था, अब उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है हैज़ बीन वीकनिंग ड्यूरिंग द पास्ट 2000 ईयर्स, और फिर नया सेटेलाइट से के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप को लूज कर रहा है हर, मतलब हर 10 साल में एक बार, पर डिकेड में 5% अपने आप को लूज कर रहा है, जो कि विच इज़ मोर रैपिडली देन प्रीवियसली थॉट। मतलब जितने पहले सोचा जाता था कि उससे आपसे कर रहा है, लेकिन उससे भी धीरे धीरे हो रहा है। तो जियोफिजिस्ट थिंक दैट डिमिनिशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मे बी एन इंडिकेशन दैट अर्थ करेंट नॉर्मल पोलैरिटी मे रिवर्स इटसेल्फ। तो इससे क्या पता चल रहा है, धीरे धीरे जो मूव कर रहा है ना, तो हमें ये 5% धीरे धीरे ये कम हो रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड अभी है हमारा, अभी जो है नॉर्मल पोलैरिटी है, वो अपने आप को रिवर्स कर रहा है। इन फैक्ट द लास्ट मेजर रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल्स अकर्ड 780,000 ईयर्स अगो। और ये फैक्ट भी है कि हमारा जो इससे पहले जो मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ था वो आज से पहले 780,000 साल पहले हुआ था, जो कि हमारा क्या सजेस्ट कर रहा है कि लगभग ये मे बी वही हो रहा होगा कि अपने आप को रिवर्स कर रहा है, इसीलिए वो ड्यूरेशन जो कम रहा है। ठीक है, फिर सॉरी हाँ, तो हमारा एक डायग्राम भी था ना, हाँ ये डायग्राम भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, पहले ये कौन सा था, अपने आप को नॉर्मल पोलैरिटी शो कर रहा है, फिर रिवर्स हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, लगभग ये 0.4 मिलियन ईयर्स के ड्यूरेशन में हो रहे हैं, 0.4, 0.8, फिर 1.2, ऐसे इस टाइप से हो रहे हैं।
ठीक है, तो इस टाइप से हो गया हमारा। व्हाट चेंजेस टू अर्थ एनवायरनमेंट वुड अकर व्हेन द मैग्नेटिक पोल रिवर्सेस। हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हमारा मैग्नेटिक पोल एक दूसरे से रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पर है द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोटेक्शन दैट द फील्ड प्रोवाइड्स फॉर लाइफ फॉर्म्स अगेंस्ट कॉस्मिक रे एंड पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम सन एंड दिस कुड डिस्टर्ब लो अर्थ ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स एज वेल एज सम कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड सिस्टम्स। ये हमारा ये हो सकता है। और अर्थ का जो ऑरोरा बोरियालिस है, ऑरोरा बोरियालिस ये भी टर्म याद रखिएगा, ये कौन सा है, नॉर्दर्न लाइट्स है। और इसके अपोजिट में हमारा साउदर्न एरिया में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। देखिए हमारा याद करने का इसका तरीका है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, साउथ पार्ट में ही है, तो ये साउदर्न लाइट्स में यहाँ पर हमारा शो करेगा ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, और नॉर्दर्न लाइट्स में ऑरोरा बोरियालिस। तो ये होता क्या है, ये हमारा जो ऑरोरा नाम है ना, ये नेचुरल लाइट होता है जो हमारा स्काई में दिखता है, जो कि माइट बी विजिबल एट मच लोअर लैटिट्यूड्स, बहुत ही लोअर लैटिट्यूड में। ऑन द ब्राइट साइड वी नो डैट लाइफ ऑन अर्थ हैव सक्सेसफुली सर्वाइव प्रीवियस मैग्नेटिक रिवर्सल, सो रिवर्सल्स माइट नॉट बी एज डेंजरस एज दे आर समटाइम्स पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये लाइन भी लगभग इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और हाँ, हमारा जो अभी का जो मैं आपको बताया था, अभी का जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कौन सा है, ऐसे नाम है उसका है, वो ब्रोनहेस नॉर्मल है, ब्रोनहेस नॉर्मल। ठीक है, फिर इससे पहले जो हुआ था वो कौन सा है, मातुयामा, मातुयामा रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल है ये। और फिर हमारा आता है गॉस नॉर्मल था, फिर हमारा गिल्बर्ट रिवर्स्ड। तो ये लाइन भी लगभग इम्पोर्टेंट है, पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ब्रोनहेस नॉर्मल जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, हमारा 0 से 0.0 मिलियन ईयर से, मतलब अभी जो है रिसेंट, या 0.69 मिलियन ईयर से लगभग ये चलता आ रहा है। वेरी भी कर सकता है थोड़ा मोड़ा, हर जगह डाटा अलग दे रहता है, कहीं पर 0.78 भी दे रहेगा, तो उतना वेरी चलता है आसपास है, 0.69 से 0. जो अभी तक जो चल रहा है वो हमारा ब्रोनहेस नॉर्मल चल रहा है। फिर हमारा गिल्बर्ट कब से कब तक था, 0.69 से लेके हमारा 2.43 मिलियन ईयर्स तक था। ठीक है, फिर 2.43 मिलियन ईयर्स से लेके हमारा 3.32 माटू सॉरी 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 ब्रोनहेस नॉर्मल हमारा कहाँ से कहाँ तक था, हाँ 0 से 0.69, फिर मांटू है हमारा 0.69 टू 2.43, हाँ ठीक है ठीक है, फिर गॉस नॉर्मल 2.43 से 3.32 मिलियन ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद 3.32 मिलियन ईयर से 4.50 मिलियन ईयर, जब हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था उस टाइप से, तब हमारा गिल्बर्ट रिवर्स्ड, वही जो बताया आपको, यहाँ से गिल्बर्ट रिवर्स्ड का 3.32 से 4.50 मिलियन ईयर्स तक मिला। ये है हमारा, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी फिर पैलियोमैग्नेटिज्म एंड द ओशन फ्लोर, पैलियोमैग्नेटिज्म और ओशन फ्लोर हमारा किस टाइप का होता है, तो इस लाइन में ज़्यादा पैराग्राफ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मैग्नेटोमीटर एक तो है और एक मैग्नेटिक एनोमलीज है। ठीक है, मैग्नेटिक एनोमली क्या होता है और पढ़ लीजिए, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वही जो मैं रिवर्सल बताया वही सब घुमा फिरा के दिया हुआ है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक चीज़ वर्ड इंपॉर्टेंट है, द ओशन फ्लोर हैड एम्बेडेड इट ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स अनलाइक एनीवेयर ऑन लैंड। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ओशन फ्लोर हैड एम्बेडेड इन इट ए रेगुलर स्विच पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स अनलाइक एनीवेयर ऑन लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड फीचर्स ऑफ द ओशन बेसिन्स। ठीक है, और ये भी खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पोलर वांडरिंग, हाँ ये तो है जो, लेकिन ये स्टोरी टाइप का है, इसे आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से देख लीजिए। द पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक पोलर वांडरिंग पास वेरी क्लोजली कोइंसाइडिंग विद द लैंड मासेस आर मूव टू देयर प्रिज्यूम्ड फॉर्मर पोजिशंस सजेस्टिंग दैट अर्थ हैड डेसिग्नेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड इट वाज द कॉन्टिनेंट्स दैट हैड मूव्ड नॉट द पोल इटसेल्फ। वही सब दिया हुआ है, पहले जो पढ़ा चुका। फिर अभी हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग टाइप का आ जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हो रहा है। ऐसे देखो हमारा ये जो, इसको डायग्राम के हिसाब से मैं इसको बता देता हूँ, हमारा एक मॉल्टन रॉक यहाँ से निकला। ठीक है, मतलब जो भी हमारा यहाँ से लावा निकला, लावा निकलेगा ठंडा होगा,
ठंडा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप को इधर इधर मूव करेगा, अपने आप को इधर धीरे मूव करेगा, फिर जब भारी हो जाएगा तो अपने आप को फिर से ला के यहाँ पर ही एक ट्रेंच यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पर ही अपने आप को सबसाइड कर लेता है, सबडक्शन हो जाता है, यहाँ पर ही सबडक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ से अपने आप को उठाएगा, फिर से ये कन्वेक्शन प्रोसेस से चलेगा, और यहाँ पर ही फिर से वहाँ पर ही हमारा फिर से फॉर्मेशन होकर यहाँ से लावा फिर निकलेगा, वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको पता ही होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है सब आप पढ़ ही चुके होंगे, और प्लेट बाउंड्री यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा अच्छे से वेबिनेशन फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है, आप बुक खरीद के अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसे स्कैन करके देख लीजिएगा। फिर हमारा एक मिनट, और क्या खास इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ही, हाँ, हैज़ पब्लिश्ड, ये जो हमारा हैज़ एक साइंटिस्ट थे, ऊपर में हम लोग देखे, यहाँ पर मिस कर दिए शायद से, हाँ, हैरी हैस 1996 से 1990, ये 69, जियोलॉजिस्ट थे, तो हैज़ पब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स विच कंटेंट द आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के आइडिया को वो मतलब बताए थे कैसे वो क्या होता है, एंड द एसोसिएटेड सर्कुलर मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल इनटू द मेंटल कन्वेक्शन सेल्स। तो वो क्या सजेस्ट किए थे, ही सजेस्टेड दैट न्यू ओशन क्रस्ट वॉज क्रिएटेड एट द रीजेस स्प्लिट अपार्ट मूव्ड अवे फ्रॉम द रीजेस, ठीक है, मूवजेस और लेटर डिसअपियर्ड बैक इनटू डीप अर्थ एट ट्रेंचेस, फिर तो जाके ट्रेंच में छुप जाते हैं वहाँ से, फिर एज इट टर्न्स आउट हैरी इनिशियल आइडिया अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैव बीन कन्फर्म किया। तो जब मिड ओशनिक रिज था, इज ए कंटिन्यूस अंडर वाटर माउंटेन रेंज दैट विंड्स थ्रू एवरी ओशन बेसिन इन द वर्ल्ड एंड रिसेम्बल्स द सीम ऑन ए बेसबॉल, इट इज़ एंटायरली वोल्केनिक इन ओरिजिन। तो हमारा इसे क्या पता चला, मिड ओशनिक रिज जो है ये एंटायरली वोल्केनिक इन ओरिजिन है, जो अपने आप को रैप वन एंड ए हाफ टाइम्स अराउंड द ग्लोब एंड राइजेस मोर देन 2.5 किलोमीटर्स अबव द सराउंडिंग डीप ओशन फ्लोर, इट एवन राइजेस अबव सी लेवल इन प्लेसेस सच एज आइसलैंड। तो यहाँ पर ही हमारा ये कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैसे वो क्या है। तो जो नया ओशन फ्लोर है फॉर्म कहाँ होता है, एट द क्रेस्ट, क्रेस्ट पे फॉर्म होते हैं, और एक्सिस ऑफ द मिड ओशनिक रिज, मतलब हमारा मिड ओशनिक रिज कहाँ है, यहाँ पर हाँ ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस हमारे से फॉर्म होते हैं, दिख रहे हैं ना, उसी को मीडियो से निक्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रोसेस से होता क्या है, हमारा नया ओशन फ्लोर जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो में एंड कैरिड अवे फ्रॉम द एक्सिस रिप्लेस्ड बाय द अप वेलिंग ऑफ वोल्केनिक मटेरियल डेट फिल्स द वॉइड विद न्यू स्ट्रिप्स ऑफ सी फ्लोर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द मिड ओशनिक रिज विच इज़ रिफर्ड टू एज स्प्रेडिंग सेंटर, वहीं से हमारा स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, ये हमारा लाइन इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर ओशन ट्रेंचेस, ये क्या है, ट्रेंचेस जो है हमारा ओशन फ्लोर का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर, और जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक है इन द वर्ल्ड अकर नियर दिस ट्रेंचेस, इसी ट्रेंचेस के आसपास हमारा दुनिया का बहुत ही बड़ा बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर ही होते हैं, जो कि दे आर कॉज्ड बाय प्लेट बेंडिंग डाउनवर्ड एंड स्लोली प्लंजिंग बैक इनटू अर्थ इंटीरियर, और इसी प्रोसेस को हम सबडक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर जो स्लोपिंग एरिया जो है फ्रॉम द ट्रेंच अलोंग द डाउनवर्ड मूविंग प्लेट, इसी को हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। तो हमारा जो जियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक फाइन और ड्रमोंड मैथ्यू ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंबाइंड द सीमिंगली अनरिलेटेड पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक सी फ्लो स्ट्राइप्स विद द प्रोसेस ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग टू एक्सप्लेन द परप्लेक्सिंग पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग एंड सीमेट्रिक मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ऑन द सी फ्लोर। तो ये हमारे लगभग इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हाँ फिर मैग्नेटिक एविडेंस, हाँ तो ये हमारा डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये जो हमारा स्कैन करके आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे फॉर्म में दिया हुआ है, और हमारा प्रेजेंट डे 0.8 मिलियन ईयर्स अगो 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी, कैसे क्या था वो सब यहाँ पर ही बताता है। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग रॉक मैग्नेटिज्म वही सब है जो मैंने आपको बताया,
वही सब दिया हुआ है, कुछ इसमें खास है नहीं। तो हाँ आगे बढ़ते हैं, एज ऑफ द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर का एज हमारा कितना है क्या है वो सब हम जानेंगे, और ये कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ही आके। तो ये आगे दिया हुआ है। हाँ और एक, हाँ आप देख सकते हैं, एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट बिनिट डीप सी डिपोजिट्स, द यंगेस्ट रॉक्स आर फाउंड अलॉन्ग द मिड ओशनिक रिज। ठीक है, मिड ओशनिक रिज के पास हमारे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट रॉक होते हैं, तो जैसे हुआ ना सबसे ज़्यादा यहीं पर यंगेस्ट रॉक पाए जाएंगे, फिर वहाँ से ये स्प्रेड हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्या हो रहे हैं ये एक दूसरे से स्प्रेड हो रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर ही बताने का कोशिश किया हुआ है। तो जैसे जैसे स्प्रेड होंगे उनका क्या होगा, एज बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं ना, यहाँ पर ओरिजिन हो रहे हैं, ठीक है, और फिर धीरे 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 क्या हो रहे हैं, इधर स्प्रेड हो रहे हैं, तो जब बढ़ेंगे तो इधर इनका एज बढ़ेगा। सबसे यंगेस्ट रॉक कौन सा हुआ, इधर पाया जाएगा, और सबसे ओल्डेस्ट रॉक इधर साइड पाया जाएगा, इतना उधर साइड मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही वही डायग्राम में बताया हुआ है कैसे कैसे कौन सा प्लेट यंगेस्ट है या कौन सा प्लेट हमारा ओल्डेस्ट है। तो हाँ और ये डायग्राम में हमें एक चीज़ और पता चलता है कि ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन में मतलब एक सीक्वेंस वाइज पे है, ठीक है, अच्छे से दिया हुआ है, और जो यहाँ पर ही अगर हम पढ़ेंगे देख लेते हैं पहले। अटलांटिक ओशन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिमेट्रिक पैटर्न ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे मतलब सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो पैटर्न रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड मिड अटलांटिक रिज द ड्रिफ्टेड पेंजिया अपार्ट, और जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो लीस्ट सिमेट्रिक पैटर्न है, लीस्ट सिमेट्रिक पैटर्न है क्योंकि वहाँ पर ही बहुत सारा सबडक्शन जोन आसपास हो रहे हैं। तो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम देख लें, डायग्राम में क्या बोला है, अटलांटिक ओशन जो है ये सिंपलेस्ट और मोस्ट सिमेट्रिक पैटर्न, सिमेट्रिक पैटर्न में दिख रहा है ना, टिक टिक बहुत मतलब पैटर्न में एक तो दिख रहा है, लेकिन वही अगर हम पैसिफिक मतलब ओशन में देखते हैं तो ये लीस्ट सिमेट्रिक है, मतलब ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सबडक्शन जोन पाया जाता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ओशन फ्लोर ईस्ट ऑफ द ईस्ट पैसिफिक राइज, ईस्ट पैसिफिक राइज में जो कहाँ इस तरफ अगर हम देखते हैं ईस्ट ऑफ द ईस्ट पैसिफिक राइज, तो वहाँ पर ये क्या होता है, इट इज़ ओल्डर देन 40 मिलियन ईयर्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सबडक्टेड, जो हमारा सबडक्ट हो गया ये 40 मिलियन साल का है, ठीक है, और वो सबडक्ट हो गया है, लेकिन वही अगर हम देखें द ओशन फ्लोर इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक अबाउट 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैज़ नॉट येट बीन सबडक्टेड, तो यहाँ जो हमारा पाया गया वो सबडक्ट हो गया है, लेकिन जो इस साइड पाया जा रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक एरिया में वो अब तक 180 मिलियन ईयर्स के बाद भी वो अभी तक सबडक्ट नहीं हुआ है। तो इससे क्या पता चला हमें, कि अ पोर्शन ऑफ द ईस्ट पैसिफिक राइज हैज़ इवन डिसअपीयर्ड अंडर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कहीं डिसअपीयर्ड हो गया है उसका ईस्ट पैसिफिक राइज का कुछ पार्ट, या फिर द एज बैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, एज बैंड जो है पैसिफिक ओशन का आर वाइडर देन दोज इन द एटलांटिक एंड इंडियन ओशन, एटलांटिक और इंडियन ओशन में उसका एज डिफरेंस जो है, एज बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम ये है, वाइड है, जो कि हमारा सजेस्ट करता है कि रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज ग्रेटेस्ट इन द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें चैप्टर वन अगर हम देखें उससे रिकॉल करें तो हमें ये क्या पता चलता है कि ओशन जो है लगभग 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ओशन जो है क्या है हमारा 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। हाउ एवर द ओल्डेस्ट ओशन फ्लोर, जबकि हमारा ओल्डेस्ट ओशन फ्लोर जो है वो सिर्फ 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ओल्डेस्ट ओशन का जो फ्लोर है ना वो हमारा कितना है, 180 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ऐसा क्यों है, हमारा ओशन तो 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और ओशन फ्लोर जो है 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब अगर बिलियन में कन्वर्ट करें तो 0.18 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो जाता है, और जो मेजोरिटी है ओशन फ्लोर का इज़ नॉट इवन हाफ दैट ओल्ड, हाउ कुड द ओशन फ्लोर बी सो इनक्रेडिबली यंग वाइल द ओशन देमसेल्स आर सो प्रिफिनली ओल्ड। तो वाजिब सा क्वेश्चन है ना कि हमारा ओशन जब हमारा 4 बिलियन साल पहले पुराना है और हमारा, तो फिर हमारा ओशन फ्लोर जो है वो 180 मिलियन ईयर्स ही ओल्ड क्यों है। तो हमें अकॉर्डिंग टू प्लेट
टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से नया जो ओशन फ्लोर है इज क्रिएटेड, वो कहाँ पर क्रिएट होता है? एट द मिड ओशनिक रिज बाय सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड मूव्स ऑफ द रिज टू इवेंचुअली बी सबडक्टेड एंड रीमेल्टेड इन द मेंटल। और इसी प्रकार से हमारा ओशन फ्लोर जो है वो अपने आप को रीजेनरेट करते रहता है, और जो हमारा फ्लोर जो है ओशन के बीनीथ जो प्रेजेंट है ओशन फ्लोर, वो सेम नहीं है जो हमारा उससे जो हमारा ओशन का एज है 4 बिलियन ईयर्स को, उससे हमारा ओशन फ्लोर का इसीलिए हमारा एज मैच नहीं करता है। अगर हमारा रॉक्स जो है जो ओशन फ्लोर से बना हुआ है वो इतना यंग है, तो हमारा कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है वो इतना पुराना क्यों है? हाँ, ये भी वाजिब सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इससे हम देखते हैं। तो वो ये है कि अगर हम रेडियोमेट्रिक इज डेटिंग के हिसाब से देखें तो हमारे साइंटिस्ट लोग ने ये पता किया कि ओल्डेस्ट रॉक्स ऑन लैंड आर अबाउट 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो हमारा सबसे पुराना जो रॉक है ऑन लैंड पे वो कितना साल पुराना है? 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं अप्रोच दिस एज, जिससे हमें ये पता चलता है कि सेम प्रोसेस एट कॉन्स्टेंटली रिन्यू द इम्प्लाइंग डेट सेम प्रोसेस दैट कॉन्स्टली रिन्यू द सी फ्लोर टू नॉट ऑपरेट ऑन लैंड। जो हमारा प्रोसेस सी के लिए इस्तेमाल होता है वो हमारा लैंड पे नहीं होता है। लेटर एविडेंस सजेस्ट दैट कॉन्टिनेंटल रॉक्स बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। और भी कुछ ऐसे एविडेंस से ही बताते हैं कि ये भी हो सकता है कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल रॉक है उसका लो डेंसिटी होने के कारण वो अपने आप को रिसाइकल नहीं कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और वो अर्थ के सरफेस पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहीं पर रह जाते हैं। हाँ, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है हीट फ्लो। हीट फ्लो का टॉपिक है जो इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो इससे आप इग्नोर भी कर सकते हैं बाकी। हाँ, लेकिन हाँ एक भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ देख लीजिए, हीट जो है अपने आप को मूव करता है, वो हीट मूव्स टू द सरफेस विथ मैग्मा इन कन्वेक्टिव मोशन। कन्वेक्टिव मोशन के हिसाब से, कन्वेक्शन के प्रोसेस के हिसाब से वो अपने आप को मूव करता है हीट, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग टू द सरफेस अलॉन्ग द मिड ओशनिक रिज कैन बी अप टू 8 times ग्रेटर देन द एवरेज अमाउंट फ्लोइंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ ओशन अर्थ क्रस्ट। Additionally, heat flow at deep sea trenches where sea ocean floor is subducted can be as little as 1/10 the average. Increased heat flow at the mid-ocean ridge and decreased heat flow at the subduction zone is what would be expected based on thin crust at the mid-ocean ridge and the double thickness of crust at the trenches. Figure 2.9 आप देख सकते हैं, उसी में ही है। ये बोला यहां पर देख रहे हैं डबल थिकनेस है कि नहीं है ओशन क्रस्ट। एक मिनट आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अभी हमारा आ जाता है वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक्स। तो हमारा पता ही है, अर्थक्वेक आर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय फॉल्ट मूवमेंट और वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। तो जो मैप द फिगर इन 12 फिगर 2.12 ए कौन सा है देख लेते हैं। सोच दैट मोस्ट लार्ज अर्थक्वेक्स अकर अलॉन्ग ओशन ट्रेंचेस। ओशन ट्रेंचेस में बताया था ना, ट्रेंच के पास बहुत सारा हमारा अर्थक्वेक पाए जाते हैं। मोस्ट लार्ज अर्थक्वेक अकर अलॉन्ग ओशन ट्रेंचेस रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सबडक्शन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ट्रेंच मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर आकर सबडक्ट हो रहे हैं, तो सबडक्शन की वजह से बहुत अमाउंट का वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। तो वो जब एनर्जी रिलीज होता है तो वहीं पर हमारा अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अदर अर्थक्वेक अकर अलॉन्ग द मिड ओशन रिज रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और फिर जो हमारा मिड ओशनिक रिज के पास जो हमारा अर्थक्वेक पाए जाते हैं वो ये बताते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब हमारा हो रहा है तो वहाँ पर भी बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिसके वजह से हमारा अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा मात्रा में ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, एक ट्रेंच हो गया और हमारा एक मिड ओशनिक रिज हो गया। स्टिल अदर्स अकर अलॉन्ग मेजर फॉल्स इन द सी फ्लोर एंड ऑन लैंड रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी रिलीज व्हेन मूविंग प्लेट्स कॉन्टैक्ट अदर प्लेट्स अलॉन्ग देयर एजेस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाउ फास्ट टू प्लांट मूव्स, ठीक है, प्लेट्स मूव।
हमारा कितना स्पीड से हमारा प्लेट एक मूव कर रहा है, और वो क्या हमेशा एक ही रेट पे मूव कर रहे हैं, मतलब जैसे पहले इतना रेट पे मूव कर रहे थे क्या अभी भी उतना रेट पे मूव कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अभी पहले जो थे वो ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहे थे एज कंपेरिजन टू टुडे। करेंटली प्लेट मूव्स एट एन एवरेज ऑफ 2 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर। आजकल के हम देखें तो हर साल 2 से लेकर 12 सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा जो है प्लेट मूव कर रहा है, जो कि एवरेज देखें तो एक पर्सन का फिंगर जो नेल होता है, नाखून जो होता है, उस जैसे बढ़ता है ना, उसी हिसाब से हमारा प्लेट भी मूव कर रहा है। तो एक पर्सन का जो फिंगर नेल ग्रोथ है वो तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी हो गया, जेंडर, डाइट, और कैसा वो एक्सरसाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो 8 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ना होता है। तो दिस मे नॉट साउंड वेरी फास्ट, ये हमें उतना फास्ट नहीं लग रहा है, लेकिन हम अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें, लगभग अगर हम ऐसे देखें कि हमारा मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स को देखें, ठीक है, दिस मे नॉट, बट द प्लेट्स हैव बिन मूविंग फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। कितने मिलियन ईयर्स से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और हम अगर देखें तो अगर 1 मिलियन ईयर्स में देखें, ठीक है, इसी हिसाब से अगर मूव करें और 1 मिलियन में देखें, तो हमारा लगभग 80 किलोमीटर मूव कर जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा ही हो गया। और फिर जियोलॉजिस्ट कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मोशन इन द पास्ट बाई एनालाइजिंग द विथ ऑफ न्यू ओशन क्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सिंस फास्ट स्प्रेडिंग प्रोड्यूसेस मोर सी फ्लोर रॉक। ये हमारा लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हम देखें तो लगभग 50 बिलियन ईयर साल पहले हमारा इंडिया जो था वो लगभग 19 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रहा था, ले और हमारे अदर रिसर्च ये बताता है कि लगभग 530 मिलियन साल पहले, 530 मिलियन ईयर्स अगो, प्लेट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रहे थे हर साल। तो इतना रैपिड बर्स्ट ऑफ प्लेट मोशन, व्हाट कॉज दिस रैपिड बर्स्ट ऑफ प्लेट मोशन, इतना स्पीड से मूव क्यों कर रहा था? जियोलॉजिस्ट को इतना ये कुछ मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है इंक्रीज्ड हीट रिलीज फ्रॉम अर्थ इंटीरियर इज लाइकली मैकेनिज्म, ठीक है। अर्थ का इंटीरियर से जो एनर्जी हमारा बहुत अमाउंट का रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द ओशन फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू और ग्रेटर देन 5.0 इन 1980 to 1998 का डेटा है। अर्थक्वेक कहाँ पर कितने अमाउंट में हुए, कैसे हुए, वो सब यहाँ पर बताया हुआ है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लेट बाउंड्रीज एंड फीचर्स ये यहाँ पर स्कैन करके हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर ही है अभी। अब हमारा ये आ जाता है प्लेट बाउंड्री डिफाइन द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स सीडेड विथ एरोज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड नंबर्स प्रेजेंटिंग द रेट ऑफ मोशन इन सेंटीमीटर्स पर ईयर। हर साल कौन सा प्लेट कितने हिसाब से मूव कर रहा है वो यहाँ पर हमें दिखा जाता है। तो एंटार्क्टिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये सब कितने हिसाब से मूव कर रहे हैं, डाइवर्ज यहाँ पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर ही 2.8, यहाँ 2.5 कैरेबियन, फिर यहाँ पर ही, तो ये सब का यहाँ पर रेट दिया हुआ है। तो कौन सा कितना था स्पीड से मूव कर रहा है, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम आगे जानेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा बाद में। फिर ये भी हो गया प्लेट का वेलोसिटी कितना है, ठीक है, 3 to 11 देखिए, 3 ये जो एरिया है बहुत ही मतलब धीरे 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 मूव कर रहा है। फिर और 70 to 77 जो सबसे हाईएस्ट है हमारा ये एरिया में, ये एरिया में बहुत स्पीड में हमारा प्लेट टेक्टोनिक से दूसरे से मूव कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पर तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए थ्योरी, यहाँ पर ही हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, दो वर्ड, स्लैब पुल, स्लैब सेक्शन, ये क्या होते हैं वैसे हम पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है स्लैब पुल, जो कि जनरेट कब होता है, विच इज जनरेटेड बाय द पुल ऑफ द वेट ऑफ ए प्लेट एज इट सिंक्स अंडरनीथ एन ओवरलाइंग प्लेट, पुलिंग द रेस्ट ऑफ द प्लेट बिहाइंड इट इन ए सिमिलर फैशन टू हाउ अ हैवी कंफर्टर ऑफन स्लाइड्स ऑफ अ बेड ऑन टू द फ्लोर। स्लैब सेक्शन विच इज क्रिएटेड एज ए सबडक्टिंग प्लेट ड्रैग्स अगेंस्ट द विस्कस मेंटल एंड कॉजेस द मेंटल टू फ्लो इन टुवर्ड द सबडक्शन जोन, देयर बाय सकिंग इन नियर बाय प्लेट्स एंड मच इन द सेम वे पुलिंग ए प्लग फ्रॉम ए फुल बाथरूम ड्रॉ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स ड्रेन।
तो इतना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये दो टो टर्म याद रखिएगा, स्लैब पुल स्लैब सेक्शन। हाँ, और ये जो हमारा इतना है ना, इसे हम एक ही डायग्राम में हमारा दिया हुआ है और वहीं से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ये डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, देख सकते हैं हम, तो ये डाइवर्ज कर रहे हैं ऐसे। कन्वर्जेंट, एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ पर ये सबडक्शन फिर हो रहा है। फिर ट्रांसफॉर्म मतलब ऐसे अपने आप को एक दूसरे से अलग करना, स्लाइड होके पास हो जाना, स्लाइडिंग। तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म ये सब नहीं बताऊंगा मैं आपको, पता ही होगा कैसा क्या होता है, उसी सब का खाली दिया हुआ है। लेकिन हाँ, ये टेबल जो है ना, इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब, ये जो लाइन है ना, ये सब हम इसी से क्वेश्चन बनता है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब अपार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो क्रश टाइप्स कौन सा, ओशन, ओशन टाइप में, ओशन ओशन अगर दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक नया सी फ्लोर क्रिएट होगा जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलेंगे। और वहाँ पर ही क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेगा, मिड ओशनिक रिज, वोल्कानोज, यंग लावा फ्लोज। और यहाँ जो एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा, मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट पेसिफिक रिज, किसमें, ओशन ओशन क्रश टाइप में। वही अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टाइप में, तो यहाँ पर हमारा ईस्ट अफ्रीका, रिफ्ट वैली, रेड सी और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर ही हमें देखने मिलेगा। और यहाँ पर रिफ्ट वैली, वोल्कानोज, यंग लावा फ्लोज, फिर कॉन्टिनेंट जो रिफ्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट रिफ्टिंग बोलते हैं इसे। फिर सी फ्लोर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एज ए कॉन्टिनेंट स्प्लिट अपार्ट न्यू सी फ्लोर इज क्रिएटेड। ठीक है, कंटेंट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक बीच में एक नया सी फ्लोर आ जाएगा। जैसे कि हम देखे थे वो हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका है, जब एक दूसरे से अलग हो रहे थे उसके बीच में कौन सा ओशन आ गया था, सी आ गया था, अटलांटिक ओशन आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री खत्म। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ज हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है, मतलब टुगेदर हो गया। फिर ओशन और कंटिनेंट जब होंगे, तो यहाँ पर ही ओल्ड सी फ्लोर, हमारा जो पुराना सी फ्लोर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब सबडक्शन होगा, पास आ रहे हैं टुगेदर, हाँ तो सबडक्शन तो होगा ही। फिर वहाँ पर हमारा क्या डेवलप होगा, ट्रेंच, वोल्केनिक आर्क ऑन लैंड। फिर यहाँ पर एग्जांपल देखें तो पेरू चील ट्रेंच और एंडिस माउंटेन, ये जो एग्जांपल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा ओशन कंटिनेंट अगर ऐसे होंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पेरू चील ट्रेंच, एंडिस माउंटेन, क्या फॉर्म होगा। फिर ओशन ओशन अगर सबडक्ट हो रहे हैं तो हमारा मैरियाना ट्रेंच, एलोशन आइलैंड, ये हमारा फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल अगर हो रहे हैं, कॉलिजन हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारा टॉल माउंटेन्स फॉर्म होंगे, जैसे हमारा हिमालय माउंटेन, आल्प्स माउंटेन, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मतलब एक दूसरे से स्लाइड पास हो रहे हैं, पास्ट इच अदर, तो हमारे यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ओशनिक कॉन्टिनेंटल मतलब ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग, ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, टेक्टोनिक प्रोसेस तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग। और फिर हमारे यहाँ पर एक फॉल्ट प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर क्या क्या फॉल्ट होंगे, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, आल्पाइन फॉल्ट, ये एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं, तो जितने हैं ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। बाकी इतना कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक पार्ट में बनाऊंगा उसमें बाकी जितना चैप्टर बचा है उससे मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लग रहा है ये चैप्टर, मतलब कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब कुछ पसंद आ रहा है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।